राहुल गांधी ने चाची से बात की थी और हमारे चाची और भैया खत्म है वो एक दब के नहीं, और जो बाबा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कब से इस बाबा को आप लोग फॉलो कर रहे थे? 6-7 साल से फॉलो कर रहे थे, पूरा परिवार फॉलो करता था। क्या बोलते थे, मतलब कभी लगा कि इस तरीके से बंदर हो सकते, कभी जहन में ये बातें आई थी? खुश ही लगा था, ये हादसा अभी हुआ है, पहले कभी नहीं हुआ था। देखिए ये लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राहुल गांधी पहुंचे थे, पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, आश्वासन दिया गया। लेकिन देखिए सवाल ये उठता है, क्योंकि बड़ा हादसा हुआ, इस हादसे में जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनका दुख इतना बड़ा है जिसे भर पाना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ देखिए किस तरीके से लगातार इस पूरे मामले को लेकर अब राजनीति जो है वो अपने चरम पर देखने को मिल रही है। लगातार देखिए आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो दिखाई दे रहा है। हालांकि दूसरी तरफ सपा नेता की तरफ से जो बयान सामने आया वो भी हैरान कर देने वाला है। सपा नेता ने ये कहा कि निर्दोष हैं सूरज पाल। सही होंगी, मैं उनसे सही नहीं होंगी, पर मैं गई नहीं थी, कभी नहीं गई है। कितनी पूजा करती थी, कैसे पूजा करती? मुझे नहीं पता, दीदी से मैं बार बार कहती थी दीदी मत जाओ मत जाओ, मगर दीदी मानती नहीं। जब गई थी मंगलवार को तभी भी मेरे पास बैठी थी, फिर मैं उनके बहनों इन मेरे हस्बैंड ने उनसे फटकार लगाई थी कि तुम मानती नहीं हो तुम जाओ मर ये नहीं जाए। कि सगी बहन थी, कैसे पता चला आपको कि ये हादसा हुआ? हम ढूंढ रहे थे, ये सब लोग आ गए थे मोहल्ले में, कुछ की डेड बॉडी की खबर आई थी, कुछ घायलों की खबर आई, हम बोल रहे थे हमारी बहन नहीं है। तो हम सारी रात घूमते रहे, फिर 12 बजे का है हमारी बहन का बिलोज में नंबर था, हमारी भतीज बहू का मतलब मायके का था। तो उन्होंने जब डिलीवर लावारस में भेज रहे थे तो उन्होंने एक बार चेक करा था, चेक करने में वो पर्ची निकल आई, उस नंबर से हमारे मायके वाले को खबर की है, उन्होंने हमसे खबर की है कि बुआ डेट बॉडी हो। किसकी लापरवाही है पूरे मामले में आप देख रहे हैं? ये सब डीएम की लापरवाही है, डीएम ने धक्का मारा। और बाबा की? बाबा की पूरी लापरवाही है, बाबा ने पलट के ये नहीं देखा कि पब्लिक मेरी जनता इतनी मेरे पीछे भगती है तो कम से कम एक बार रोक के हाथ दे देते तो खड़े हो जाते सर। वो तो चले गए थे वहाँ? वो तो चले गए, उनने पलट के ये भी नहीं देखा कि मेरी प्रजा कितनी दुखी हो रही है, सारे लोग चले गए। और यहाँ पर सपा की तरफ से बयान सामने आया था कि ये तो हादसे हैं होते रहते हैं। अब मुझे तो ये पता नहीं है हादसे होते हैं, मगर ऐसा हादसा कभी नहीं हुआ है। साजिश है ये कोई, या फिर आप हादसे के रूप में इसे देख रही हैं? पता नहीं क्या हुआ है, मैं तो घर पे थी, मैं उनके साथ नहीं थी। राहुल गांधी अभी आए थे, बातचीत हुई उनसे? आए थे, उनसे बातचीत हुई थी, वो कह रहे कड़ी तो कड़ी सजा देंगे, हम कार्रवाई करवाएंगे कह रहे थे। बिल्कुल, यहाँ पर कुछ बच्चे भी हैं, उनसे भी हालांकि वो इतना समझते नहीं होंगे लेकिन उनसे जानते हैं। आपको पता है घर में क्या हुआ? हमारी दादी खत्म हो गई। कैसे खत्म हो? भीड़ में। और कहाँ गई थी दादी? सत्संग में। किसके सत्संग में गई थी पता है आपको? नारी नारी के। कैसा है ये बाबा जानते हैं आप? ये ढोंगी है। चलिए ठीक है, यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश यहाँ पर हम कर लेते हैं। संतोष इधर बढ़ते आगे, आप बताएंगे दीदी क्या हुआ है पूरा हादसा, कौन आपके परिवार से, क्योंकि यहाँ पर दादी के बारे में सब लोग बता रहे हैं। सासू जी हमारी जाती थी और हम भी जुड़े हुए थे, 20 साल हो गई हमारी सास को। ऐसा हादसा हुआ है ऐसे कभी नहीं हुआ, आती जाती थी सही सलामत और आ जाती, अब की ऐसी गई है लौट के भी नहीं आई। कितने लंबे समय से जा रही थी बाबा के पास? 20 साल हो गई जाते जाते 20 साल। ये बताइए कि कभी रोकने की किसी ने कोशिश की? हाँ हमने की थी, मेरी माँ मत जाओ गर्मी बहुत पड़ रही है, कह रही पास में हो रहा है सिकंदरा राव, आ जाएंगे हम लौट गए और लौट कर नहीं आए। बाबा के बारे में अभी भी जो उनके भक्त हैं वो कहते हैं कि ये तो हादसा है हो गया, अभी भी उन्हें चमत्कारी बताते हैं। आपको क्या लगता है कार्रवाई होनी चाहिए?
हमारे तो घर में कोई भी खुशी नहीं। हमारी मम्मी ये कहती थी कि मैं किसी बात को दुखी नहीं हूँ। अब पता पर एक्शन होना चाहिए कि नहीं? हाँ होना चाहिए, जब सामने नहीं आ रहे तो क्या होगा। किसकी लापरवाही देख रहे हैं? सागर हरी की देख रहे हम तो। बिल्कुल, ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इनका जो दुख है वो बयां कर पाना उतना आसान नहीं होगा। इन्होंने अपनी सास को खोया है, किसी ने अपनी बड़ी बहन को खोया है। मना करते थे कि उन बाबा के सत्संग में मत जाओ, लेकिन वो नहीं मानी और फिर लौट के कभी वापस नहीं आई। रिपब्लिक भारत पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लगातार इस खबर पर अपडेट आपको देते रहेंगे।